बैठा दिए अंडे सारे गए। इन को ज्ञान थोड़ी है कि भाई सामाजिक ज्ञान नहीं है, और सामाजिक ज्ञान बने मुख्यमंत्री जी इतने देवक को बैठाना नहीं चाहिए। इसने यू खट्टर साहब बैठा दिया पाथक हो ना मोदी का ना खट्टर गए। इन्हें के बेरा क्यों कर घर बसे हैं, एक राजीनामा नहीं हो, इन दबला योगी है गाँव की है राजीनामा भी करा दे दे। पंचायत में जो सरपंच फैसला करे इन बलाइए की तक को किसी फैसला कर देंगे। ये सारा दिन तो फैसला करने वाला लग रहे हैं, फिर गामा के काम कराने सरपंच के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इन पता है कि एक भी सरपंच दिखा दो कोई अपना काम कर रहा हो, कोई स्टेटमेंट आप तो मीडिया वाले हो जी की तो देखा है मैं काम कर रहा हूँ किसी काम का। ये झूठे आदमी है, इन जितनी झूठ कोई नहीं बोलता। ये कह दे कशाना गया है तो गुणी हो जाएगी, होलिए पांच साल हुआ तला और गो दिए इन। कहाँ से सरपंच हो? गांव खानपुर कला से। खानपुर कला से सरपंच प्रतिनिधि। प्रतिनिधि तो सर क्या कहना चाहते हो जो सरकार की मंशा है अभी? सरकार ने जिन्हें कहना चाहो है जो खट्टर साहब एक MLA दे बहुत थोड़ा डर गया देवेंद्र बबली दे, इतने यू मंत्री नहीं बढ़ाया, इतने इसने खूब विरोध कराया सरकार का, खूब रोज विरोध करा था। जब यू उस तो डर गया, यू इतने सरपंच डर गया, यू इतने सरपंच तो इन्हें कति भी देंगे, इसकी एक भी सीट ना आण दे सरपंच। जोगर यू एक ले दे इस देवेंद्र बबली ने डर गया, यू कड़ा मर्द मानस बैठा रखा है। थोड़े है दिन विरोध में बोलिया था जब मंत्री पद दे दिया इस तई, फिर भी यू सरपंच आए पाछ ला दिया इसने, खुद आप भी लाग रहा है, यू भी लाग रहा है। मारी दे सरकार दे या रिक्वेस्ट है 1994 का जो एक्ट है उसमें मारी 29 शक्तियाँ हैं, वह सरपंच आता ही दे दी जाए ना तो आंदोलन और तेज होगा। यू भगत सिंह बनावेगा आंदोलनकारी बना दिया इसने सारा देश, खट्टर ने हरियाणा बना दिया, मोदी ने सारा देश बना दिया। ये बेचारे इतने मजबूर कर देगा यू लोगों ने 5,000 पर नौकरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। या जो अग्निपथ योजना का डिदिन ने 4 साल के ना आगे बेचारे ये जवान 19-20 हज़ार में मजबूर कर दिए गोलियां गड़न ने, ना उनकी को पेंशन है। 4 साल में तो आवे है के मिन के में सिक्के है बाढ़ के, इतना उनका लात मार देंगे बेरोजगारी वो हंडो फिर कितने धक्के खांदे। तो या सरकार अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी जो अंग्रेज थे उन ते भी खराब सरकार है या। तो इनका अच्छा रवैया नहीं है पब्लिक के साथ है, इतना खराब रवैया इन्हें करना नहीं चाहिए। ये तो सरपंच सरपंच की बात नहीं है जी, आम आदमी की बात है। हाँ अरे के लिए 8-7 साल में न्यू देखो बेरोजगारी के आंकड़े ठा लो आप, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। इनने इस देश का नाश करने का ठेका ठा लिया है, अरिया जनता समझन लाग रही है। इन नया जनता ही बख्शेगी नहीं, इन नया जनता ठिकाना ला देगी। और मारी दे फिर विनती करो हूँ मैं खट्टर साहब दे, अगर इन सरपंचा की बात मान ले और इन जनता की भी मांग मान ले, जो भी ये रोज धरने पर दर्शन अच्छे नहीं होंगे। इन 700 किसान उड़ा मरवा दिए, इस मोदी साहब ने भी जब किसान आंदोलन कर रहे थे 700 मरे 500 मान्य यू, इतने नहीं मान्य, इतने मानस नहीं मरते, इतना सरकार मानती को ना। और मरवाओगी भी मरवाओगी, भगत सिंह बनाओगी सारा ने, और मानस मरवा गए और फिर यह फैसला कर लेगी। थोड़े आदमी हो जिनके घर बर्बाद हुए हैं, इन गा पाथे को ना मोदी का ना खट्टर गए, इन्हें के बेरा क्यों कर घर बसे हैं। पंचायत में जो सरपंच फैसला करे इन बुलाइए की तक को किसी फैसला कर देंगे। ये सारा दिन तो फैसला करने बला रहे हैं, फिर गामा के काम कराने सरपंच के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इन्हें पता है बैठा दिए अंडे सारे गए, इन्हें को ज्ञान थोड़ी है कि भाई सामाजिक ज्ञान नहीं है, और सामाजिक ज्ञान बने मुख्यमंत्री जी इतने देवक को बैठाना नहीं चाहिए। इसने यू खट्टर साहब बैठा दिया मोदी साहब ने, इन्हें को देहाती ज्ञान नहीं, कहेगा ज्ञान नहीं, शासन चलाने का बेरा नहीं किसकी मान नहीं, नरबाग आदमी ले रहा सारे के सारे। हाँ किसकी मान नहीं, ज्ञान ने कोई ना सरकार चलाने का। सर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बोल रहे हैं यहाँ पे नरवाना में पहुंचे कि मतलब जो कुछ सरपंच है वो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ सरपंच कोई नहीं लग रहा जी, एक भी सरपंच दिखा दो कोई अपना काम कर रहा हो, कोई स्टेटमेंट आप तो मीडिया वाले हो जी की तो देखा है मैं काम कर रहा हूँ किसी काम का। ये झूठे आदमी है, इन जितनी झूठ कोई नहीं बोलता। ये कह दे कशाना गया है तो गुणी हो जाएगी, होलिए 5 साल हुआ तला और गो दिए इनने, खड़ा तो गुणी होगी। ये तो झूठ बोल रहे हैं, रुपया लावे हैं, रुपया हम खरीदे अंडे हैं, कई जगह सरकार तोड़ दी रुपया हम कितना वो पैसा जनता के पैसे का दुरुपयोग करे है। अब पड्डी लिखी दुनिया होगी है, इनको आगे दिखा देंगे भाई क्या होगा क्या नहीं। इन्हें तो सारी जिंदगी भी नहीं आने दे, बीजेपी नहीं आकर दिक्कत दे भी
जी भी ये चिट लिए, जो रावण वाला घमंड था वो इनका ये खत्म होने लाग लिया है, पूरे चिट लिए ये चिट्ठे पास आदमी पड़ा बिगड़ा है। हाँ तो फिर भी आए अपनी नीतियां बदल ले सरकार, सरपंच की अहमियत समझ ले कि अहमियत है, एक राजीनामा नहीं हो इन दबला योगी है गांव की है, राजीनामा भी करा देते सरपंच के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। फिर भी हम सरकार तैयार है रिक्वेस्ट करें इताना शाही रवैये छोड़ दे, जो 1994 का जो एक्ट है 29 शक्तियाँ इनकी सारी की सारी दिए था, ये सरपंच अपना काम कर ले और अपने गांव में को भलाई दे दे, इन्हें बुराई के मंड है ना मंड है। बिल्कुल सर, हाँ धन्यवाद। तो ये देखिए मतलब अगर सरकार सरपंचों की बात नहीं मानती है तो सरपंचों की कड़ी चेतावनी है पूरे हरियाणा के सरपंचों की कि अगर सरकार ने सरपंचों की बात नहीं मानी तो मतलब विरोध चलता रहेगा और एक बड़ा आंदोलन होगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, सरपंच सही है या सरकार सही है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।